हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे न्यू टेक विथ डेडी चैनल में। आज अपन बात करेंगे विजन आईएएस टेस्ट सीरीज 14 का। ये दोस्तों फोर्थ पार्ट है और इसमें भी हम हर क्वेश्चन को पूरे डिटेल के साथ देखेंगे ताकि एक क्वेश्चन से कम 5 क्वेश्चन आप खुद बना सके। और दोस्तों बीच बीच में हम ट्रिक्स भी देखेंगे ताकि जो क्वेश्चन आप पढ़ें वो आपको ज़्यादा दिन तक लिए याद हो जाए और आप वीडियो के बीच में किसी भी तरह से बोर ना हो। और दोस्तों कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि जो ट्रिक्स बताई जाए वो आपको मिल सकें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 61 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा जो रुद्रम फर्स्ट है तो वो क्या है। इसमें ए नंबर दिया है कि स्वायत्त मानव रहित वायुयान है, बी नंबर दिया है एंटी रेडिएशन मिसाइल है, सी नंबर दिया है आर्टिलरी गन है और डी दिया है मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली है। तो इनमें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो रुद्रम फर्स्ट है तो ये दोस्तों क्या है। तो ये एक प्रकार की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और दोस्तों अपन देखें तो ये कार्य क्या करेगी, तो यह किसी दुश्मन के रडार हो गया, संचार स्थल और अन्य रेडियो आवृत्ति जो होते हैं उसके उत्सर्जक लक्ष्यों जैसे कि किसी भी रेडिएशन यानी कि जो विकिरण होते हैं उसके उत्सर्जक के जो स्रोत होते हैं उसका पता लगाकर उसे ध्वस्त करने का ये कार्य करेगा। और जो रुद्रम फर्स्ट है तो ये देश की प्रथम स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है कि निजाम अल मुल्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उसने हैदराबाद रियासत की स्थापना की, दूसरा दिया है उसने दिल्ली के मुगल सम्राट से खुले तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा की, और तीसरा दिया है कि उसने दिल्ली पर नादर शाह के आक्रमण का सक्रिय समर्थन किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है। ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल एक और दो, सी दिया है केवल दो और तीन, जबकि डी दिया है केवल एक और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर चाहिए। तो अब अपन देखें जो निजाम उल मुल्क है इनके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि उसने हैदराबाद रियासत की स्थापना की थी तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इन्होंने जो हैदराबाद इसकी स्थापना सन 1724 में की थी। और इसमें दूसरा है कि उसने दिल्ली के मुगल सम्राट से खुले तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा की थी तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि दक्कन में उसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की और उस पर कठोरतापूर्वक शासन किया, लेकिन उसने कभी भी खुले रूप से केंद्रीय सत्ता से स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की, लेकिन व्यवहार में अपन देखे तो वह स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करता था। इसलिए जो दूसरा वाला है यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि उसने खुले तौर पर स्वतंत्रता की घोषणा नहीं की थी। और इसमें जो तीसरा है कि उसने दिल्ली पर नादिर शाह के आक्रमण का सक्रिय समर्थन किया तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि उसने नादिर शाह के आक्रमण का सक्रिय समर्थन नहीं किया था बल्कि आक्रमण को आगे बढ़ने से उन्होंने रोका था। इसलिए जो तीसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल एक सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है INC के गठन के संबंध में सुरक्षा वाल्व सिद्धांत वेडरवर्न द्वारा लिखित एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन की जीवनी से उभरा था, दूसरा दिया है INC ने आरंभ से ही सामाजिक सुधारों को अपनी कार्यसूची के एक भाग के रूप में लिया, और तीसरा दिया है कि INC के गठन के आरंभिक वर्षों में INC का अध्यक्ष जो है वो उसी क्षेत्र का होता था जहाँ अधिवेशन आयोजित किया जा रहा होता था। उपर्युक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही नहीं है या हैं। ए दिया है केवल तीन, बी दिया है केवल दो और तीन, सी दिया है केवल एक और दो, जबकि डी दिया है एक दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही नहीं है। तो अब अपन देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC इसके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला कथन दिया है कि INC के गठन के संबंध में सुरक्षा वाल सिद्धांत वेडरवर्न द्वारा लिखित एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन की जीवनी से उभरा था तो यह अलग बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूमन है उनका कहना था कि भारत में असंतोष पनप रहा है एवं ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए निचले वर्गों के जो लोग हैं वो विशाल षड्यंत्र रच रहे हैं, और इसलिए उन्होंने इस जीवनी को प्रकाशित किया था और इसको 1913 में प्रकाशित किया था। यानी कि जो पहला वाला है यह वाला तो बिल्कुल सही हो जाएगा।
और इसमें जो दूसरा दिया है कि INC ने आरंभ से ही सामाजिक सुधारों को अपनी कार्यसूची के एक भाग के रूप में लिया था, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि INC में जो कार्यसूची थी उसमें सामाजिक सुधारों को सम्मिलित नहीं किया गया था, जबकि इसमें सम्मिलित किया गया था जैसे राष्ट्रीय आंदोलन हो गया उसको प्रारंभ करना, उसका राजनीतिक करना और लोगों को राजनीतिक के रूप में शिक्षित करना, यानी कि एक तरह से राजनीतिक सुधारों को अपनी कार्यसूची के एक भाग के रूप में शामिल किया था, यानी कि जो दूसरा वाला है ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि INC के गठन के आरंभिक वर्षों में INC का अध्यक्ष उसी क्षेत्र का होता था जहां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा होता था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि INC एक परंपरा का अनुसरण कर रही थी और उसका मानना था कि अध्यक्ष जो है उस क्षेत्र का नहीं होना चाहिए जिस क्षेत्र में आयोजन किया जा रहा है, यानी कि जो इसमें दिया है कि उसी क्षेत्र का होता था जहां अधिवेशन आयोजित किया जा रहा होता था, तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इसमें अपन को बताना है कि इसका सही नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल 2 और 3 इसके सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 64 है कि परिवारों के सामाजिक उपभोग यानी कि शिक्षा पर NSS के 75वें चक्र के सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में 3 से 35 वर्ष के आयु के व्यक्तियों की भागीदारी का अध्ययन करना था। और इसमें दूसरा दिया है कि भारत के राज्यों में केरल और बिहार की साक्षरता दर क्रमशः सर्वाधिक और निम्नतर है। और इसमें तीसरा दिया है कि यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा विशेष रूप से शिक्षा के सामाजिक उपभोग पर किया गया ऐसा पहला सर्वेक्षण है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? या है ए दिया है केवल 1, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। और अब अपन देखें जो परिवार के सामाजिक उपभोग यानी कि जो शिक्षा पर NSS के जो 75वें चक्र का सर्वेक्षण हुआ था उसके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि इसका उद्देश्य भारत की शिक्षा प्रणाली में 3 से 35 वर्ष की आयु के व्यक्तियों की भागीदारी का अध्ययन करना था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि भारत के राज्यों में केरल और बिहार की साक्षरता दर क्रमशः सर्वाधिक और निम्नतम है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भारत में यदि राज्यों में देखें तो केरल में तो सर्वाधिक है साक्षरता दर, लेकिन बिहार में निम्नतर नहीं है, जबकि जो निम्नतर है तो वो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और अपन देखें तो जो भारत की कुल साक्षरता दर है वो है दोस्तों 77.7% है, और जो केरल है वो सबसे आगे है, इसकी जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों 96.2% है, और इसके बाद जो दूसरा स्थान है वो है दोस्तों दिल्ली का, जिसकी दोस्तों साक्षरता दर है 89% है, और फिर उसके बाद जो तीसरे स्थान पर है वो है दोस्तों उत्तराखंड, और जो चौथे नंबर पे है वो है दोस्तों असम, जिसकी दोस्तों साक्षरता दर है 85.9% है। और इसमें जो तीसरा दिया है कि यह केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा विशेष रूप से शिक्षा के सामाजिक उपभोग पर किया गया ऐसा पहला सर्वेक्षण है, तो यह लब्ध को गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका सर्वेक्षण केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नहीं किया जाता है, जबकि इसका सर्वेक्षण राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण जो कार्यालय है उसके द्वारा किया जाता है। और यह दोस्तों पहला सर्वेक्षण नहीं है जो शिक्षा के सामाजिक उपभोग पर निर्भर है, जबकि इसे 35वें सर्वेक्षण जो हुआ था उसमें इसको शामिल किया गया था, यानी कि जो ये 75वां चक्र है दोस्तों इसमें इसको शामिल नहीं किया गया था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि केवल 1 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 65 है कि किस वायसराय के कार्यकाल में भारत में निम्नलिखित घटनाएं घटी थी। इसमें पहला दिया है सांप्रदायिक चंपाट की घोषणा, चंपाट का मतलब दोस्तों जो घोषणा पत्र होता है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और इसमें जो तीसरा दिया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, सोशलिस्ट मतलब कि जो समाजवादी पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें ए दिया है कि वायसराय लॉर्ड लेन लिथगो, बी दिया है वायसराय लॉर्ड वेवेल, सी दिया है वायसराय लॉर्ड विलिंगडन, और इसमें जो डी दिया है
कि वास राय, लॉर्ड इरविन, तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि किस वास राय के कार्यकाल में जो भारत में ये सभी घटनाएं घटी हुई थी वो दोस्तों कौन थे। तो इसमें दोस्तों संप्रदायिक घटनाएं भी घटी थी, उसमें तृतीय गोल में सम्मेलन भी हुआ था और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि वासराय लॉर्ड विलिंगडन के शासनकाल के दौरान ये सभी घटनाएं घटी हुई थी, क्योंकि जो वासराय लॉर्ड विलिंगडन थे ये दोस्तों भारत के 22वें वासराय और गवर्नर जनरल भी थे और इनका जो शासनकाल चला था वो दोस्तों सन 1931 से लेकर सन 1936 तक चला था। और अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है कि सांप्रदायिक चंपाट की घोषणा, यानी कि जो संप्रदाय के घोषणा पत्र है उसकी घोषणा हुई थी, तो ये दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो रैमजे मैकडोनाल्ड थे उनके द्वारा वर्ष 1932 में ये घोषणा की गई थी और इसमें कहा गया था कि दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचन आरक्षित कर दिए थे और इसलिए फिर गांधी जी ने जो सांप्रदायिक पंचायत थे उसके विरुद्ध अनिश्चित काल के लिए उन्होंने भूख हड़ताल रख दी थी। इसलिए जो पहला वाला है ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और फिर जो सन 1931 में द्वितीय गोल में सम्मेलन हुआ था उसमें गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था और जो सरोजिनी नायडू है उन्होंने भारतीय महिला का प्रतिनिधित्व भी किया था, लेकिन इन्होंने जो बात रखी थी उनको दोस्तों ठुकरा दिया था। इसलिए फिर गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था उसको दोस्तों पुनः प्रारंभ कर दिया था और फिर पूना समझौता पर सन 1932 में हस्ताक्षर किए गए और फिर इसने जो दलित वर्गों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल था उसको समाप्त कर दिया था। और फिर जो तृतीय गोल में सम्मेलन है वो सन 1932 में आयोजित हुआ था। और इसमें जो तीसरा दिया है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी यानी कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी जो है उसकी स्थापना सन 1934 में की गई थी, यानी कि 36 के अंदर ही है दोस्तों ये सभी घटनाएं। और इसका जो गठन हुआ था वो जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था, जो कि दोस्तों एक समाजवादी थे, इसलिए इन्होंने एक समाजवादी दल का गठन किया था। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 66 है कि हाल ही में सुर्खियों में रही 5-स्टार गांव योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इसका उद्देश्य गांवों में ब्लास्टा की सुविधाओं की स्थापना करके भारत में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। दूसरा दिया है कि यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है, या है ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो 5-स्टार योजना है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। और इसमें जो पहला दिया है कि इसका उद्देश्य गांवों में ब्लास्टा की सुविधाओं की स्थापना करके भारत में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि किसी भी प्रकार से ब्लास्टा की सुविधाएं इसमें सम्मिलित नहीं है, जबकि जो 5-स्टार योजना है इसमें जो सम्मिलित है वो दोस्तों जो डाक की योजना है उसको सभी व्यक्तियों तक पहुंचाना। और इसमें जो दूसरा दिया है कि यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जा रहा है, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको डाक विभाग जो है उसी के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। और ये जो 5-स्टार गांव योजना है दोस्तों इसमें आने वाली जो 5 योजना है उसको सम्मिलित किया गया है, यानी कि कोई भी गांव यदि 5 योजना से संबद्ध है तो वो दोस्तों 5-स्टार गांव कहलाएगा। जैसे कि जो 5 योजना है वो दोस्तों कौन कौन से, जैसे कि जो पहली योजना है वो है बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाते, राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र। यदि कोई गांव इनमें से किसी एक शर्त को फॉलो करता है तो यानी कि वो पहली योजना जो है उसको पूर्ण कर रहा है। और इसकी जो दूसरी योजना है उसमें सुकन्या समृद्धि खाता या लोक भविष्य निधि खाते होने चाहिए। यदि किसी गांव के पास ये है तो वो दोस्तों दूसरी योजना को भी फॉलो कर रहा है। और इसमें जो तीसरी योजना को सम्मिलित किया गया है वो है कि भारत डाक भुगतान बैंक के खाते से संबद्ध वित्त पोषित डाकघर बचत खाते होने चाहिए। जिस गाँव के पास यदि ये खाते हैं तो वो दोस्तों तीसरी योजना को फॉलो कर रहा है। और यदि दोस्तों जो और इसमें जो चौथी योजना है उसे सम्मिलित किया गया है कि जो डाक जीवन बीमा पॉलिसी है या ग्रामीण डाक जीवन बीमा पॉलिसी है तो उसको यदि फॉलो कर रहा है, यानी कि वो चौथी
योजना को फॉलो कर रहा है और यदि कोई गांव जो पांचवी योजना है उसको यदि फॉलो कर रहा है, जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना खाता या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना खाता हो, तो दोस्तों यदि कोई गांव है वो दोस्तों पांचवी योजना से सम्मिलित है तो वो दोस्तों 5-स्टार गांव योजना में सम्मिलित होगा। और दोस्तों यदि इनमें से कोई गांव है वो दोस्तों किन्हीं 3 योजना को फॉलो कर रहा है तो उसको दोस्तों 3-स्टार गांव योजना में सम्मिलित किया जाएगा। और दोस्तों यदि कोई गांव इनमें से किन्हीं 4 योजना को सम्मिलित कर रहा है तो वो दोस्तों 4-स्टार गांव योजना में सम्मिलित किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यदि कोई गांव पांचों की पांचों योजना को सम्मिलित कर रहा है यानी कि फॉलो कर रहा है तो वो दोस्तों 5-स्टार गांव में सम्मिलित किया जाएगा। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 67 है कि दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। दूसरा दिया है वह ब्रिटिश संसद के सदस्य थे। और तीसरा दिया है उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है? ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 1 और 3, सी दिया है केवल 2 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो दादा भाई नौरोजी है इनके संबंध में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन निकासी का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि दादा भाई नौरोजी एक आर्थिक विचारक थे और उन्होंने भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय की जो गणना की थी वो दोस्तों 20 रुपए की थी और इसी को उन्होंने अपनी इस पुस्तक में भी प्रतिपादित किया था। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा है कि वह ब्रिटिश संसद के सदस्य थे तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो दादा भाई नौरोजी हैं ये दोस्तों पहले एशियाई व्यक्ति भी थे जो कि ब्रिटिश संसद के सदस्य बने थे। और इसमें जो तीसरा दिया है कि उन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा और इन्होंने सन 1866 में इसकी स्थापना की थी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है इस अधिनियम ने भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के अधिकार को औपचारिक मान्यता प्रदान की। दूसरा दिया है कि इसने समस्त ब्रिटिश प्रजा पर मुकदमा चलाने में सक्षम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया। और इसमें तीसरा है कि इसने राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय गठित किया था है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 2, सी दिया है केवल 1 और 3, जबकि डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। जो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। और दोस्तों जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है इसको हमने अपने इसी चैनल पर पूरी ट्रिक से भी पढ़ा है। दोस्तों यदि आपने इस एक्ट को ट्रिक से नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप इस एक्ट को देख सकते हैं। और अब अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है कि इस अधिनियम ने भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के अधिकार को औपचारिक मान्यता प्रदान की थी तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था जिसमें संसदीय नियंत्रण के अधिकार को औपचारिक मान्यता दी गई थी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों को नियंत्रित करना और विनियमित करना उन सभी को उन्होंने मान्यता दी थी। इसलिए जो पहला वाला है यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसने समस्त ब्रिटिश प्रजा पर मुकदमा चलाने में सक्षम उच्चतम न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया था तो यह वाला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसने बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की थी और जो उच्चतम न्यायालय है इसकी स्थापना के लिए फिर एक मुख्य न्यायाधीश होते थे और साथ में 3 अन्य न्यायाधीश भी होते थे। यानी कि जो दूसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा है कि इसने राजनीतिक मामलों का प्रबंधन करने के लिए नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नामक एक नया निकाय गठित किया था तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो नियंत्रण मंडल यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल है इसको
पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784 उसमें इसको शामिल किया था, यानी कि इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ये हो जाएगा कि केवल एक और दो सही है। अब अपन देखें कि इसको अपन टेक्स्ट से कैसे पढ़े थे। इसको अपन ने पढ़ा था कि एक साथ है लेकिन साथ में तीन लोग हैं। दोस्तों जब तीनों लोग होते हैं तो दोस्तों किसी व्यक्ति को यानी कि किसी भी संसदीय प्रणाली को नियंत्रक कह सकते हैं, क्योंकि जो तीन लोग होंगे तो वो दोस्तों एक जो व्यक्ति बीच में बैठेगा तो एक यहाँ से प्रेशर लगाएगा और दूसरा यहाँ से प्रेशर लगाएगा तो वो दोस्तों ऑटोमेटिक नियंत्रित हो जाएगा, यानी कि जो नियंत्रण के अधिकार है उसको औपचारिक मान्यता प्रदान की थी, क्योंकि दोस्तों तीनों लोग क्या करेंगे प्रेशर लगाएंगे। और इसमें उच्चतम न्यायालय की भी स्थापना की थी, क्योंकि जो तीन लोग हैं दोस्तों वो एक दूसरे पर प्रेशर डालेंगे और जब प्रेशर डालेंगे तो उसमें से एक व्यक्ति निकलेगा, वो बोलेगा कि मैं मुख्य न्यायाधीश बन जाऊंगा, यानी कि उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और साथ में जो तीन लोग हैं दोस्तों यानी कि इसमें तीन शब्द आ रहा है और साथ में तीन अन्य न्यायाधीश भी होते थे। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 69 है कि सुधार एवं विकास के संचालन के लिए वैश्विक सूचकांक यानी कि GIR पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया है कि इसका उद्देश्य कई अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों का उपयोग करके विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी करना है। दूसरा दिया है भारत में नीति आयोग सुधारों का संचालन करने के लिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि MPI में प्रगति की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है? ए दिया है केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें जो सुधार एवं विकास है उसके संचालन के लिए जो वैश्विक सूचकांक यानी कि GIRG जो पहल है उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला कथन दिया है कि इसका उद्देश्य कई अंतरराष्ट्रीय सूचकांकों का उपयोग करके विभिन्न महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक मापदंडों पर भारत के प्रदर्शन का मापन और निगरानी करना है, तो यह ला दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि भारत में नीति आयोग सुधारों का संचालन करने के लिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक यानी कि MPI में प्रगति की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि एक और दो दोनों सही हैं। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 70 है कि EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, इस संदर्भ में निम्नलिखित में से किन विषयों का इसके अंतर्गत परीक्षण किया जाता है? पहला दिया है जिम्मेदार बैंक प्रणाली, दूसरा दिया है ऋण उठाव, तीसरा दिया है ऋण की वसूली और चौथा दिया है शासन और मानव संसाधन। नीचे दी गए कोट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल एक, दो और तीन, बी दिया है केवल दो, तीन और चार, सी दिया है केवल एक, दो और चार, जबकि डी दिया है केवल एक, तीन और चार। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें जो EASE बैंकिंग सुधार सूचकांक है इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है कि जिम्मेदार बैंक प्रणाली उपलब्ध कराना और उसका परीक्षण करना, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना। और इसमें जो दूसरा है कि ऋण उठाओ, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो बैंक होता है बैंक से हमेशा व्यक्ति ऋण उठाते रहते हैं। और इसमें जो तीसरा है कि ऋण की वसूली करना, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऋण की वसूली नहीं है, जबकि ऋण चुकाने के संदर्भ में जो उसमें सुधार हो सकते हैं उसको शामिल किया गया है। और इसमें जो चौथा दिया है कि शासन और मानव संसाधन, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा कि केवल एक, दो और चार इसका सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन 71 है कि पंडिता रमाबाई जो है वो निम्नलिखित संगठनों में से किससे जुड़ी थी? इसमें पहला दिया है कि शारदा सदन से जुड़ी थी, दूसरा दिया है आर महिला समाज से जुड़ी थी और तीसरा दिया है मुक्ति मिशन से जुड़ी थी। नीचे दिए गए कोट का प्रयोग का सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है केवल दो और तीन, जबकि डी दिया है एक, दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है।
तो अब अपन देखें जो पंडिता रमाबाई थी ये दोस्तों कौन थी। तो इनको भारत की पहली नारीवादी संगठन के रूप में जाना जाता है। और अपन देखें कि किस किस संगठन से जुड़ी थी, तो इसमें जो पहला दिया है कि सारदा सदन से जुड़ी थी, तो यह लफ्ज को सही हो जाएगा क्योंकि जो पंडिता रमाबाई थी इन्होंने जो सारदा सदन है इसकी स्थापना की थी। और इसकी स्थापना इसलिए की थी क्योंकि जो निराश्रित स्त्रियां हैं उनके लिए आश्रय मिल सके। और इसमें जो दूसरा दिया है कि आर महिला समाज से जुड़ी थी, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पंडिता रमाबाई ने विधवाओं के लिए एक स्कूल खोला था और उसी में उन्होंने आर महिला जो समाज है उसकी स्थापना भी की थी, इसलिए जो दूसरा वाला है ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा है कि मुक्ति मिशन से जुड़ी थी, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना की थी और जो मुक्ति मिशन है इसकी स्थापना उन्होंने जो युवा विधवाओं हैं उनके लिए की थी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 72 है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा यो-यो टेस्ट संबंधित है। ए दिया है खेल कूद और फिटनेस से, बी दिया है कोविड-19 के निदान से, सी दिया है स्वर रज्जु और गायन क्षमता से, और डी दिया है अंतरिक्ष यात्रियों और अंतरिक्ष अभियानों से। तो इन्हें से आपको बताना है कि जो यो-यो टेस्ट है वो किससे संबंधित है। तो अपन देखें जो यो-यो टेस्ट है यानी कि यो-यो हनी सिंह, और ये हनी सिंह दोस्तों कैसे होते हैं, तो वो दोस्तों यहाँ वहाँ घूम घाम कर डांस करते रहते और गाना गाते रहते, यानी कि वो अपने शरीर को फिट करके रखते हैं, यानी कि फिटनेस आ जाएगा। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा कि खेल कूद और फिटनेस से संबंधित है। और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है कि ब्रिटिश भारत में प्रेस की स्वतंत्रता सीमित करने वाले विभिन्न विनियमों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है कानून और दूसरी तरफ दिया है प्रतिबंध। इसमें जो पहला कानून दिया है कि लाइसेंसिंग विनियम 1823 जो है वो प्रतिबंधित करता है कि राजद्रोही सामग्री का प्रकाशन करने पर देशी भाषा की जब्ती। और जो इसमें दूसरा दिया है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 जो है वो प्रतिबंधित करता है कि लाइसेंस के बिना प्रेस का संचालन दंडनीय अपराध था। और इसमें जो तीसरा दिया है कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 वो प्रतिबंधित करता है कि सभी प्रकार के प्रकाशनों पर सख्त सेंसरशिप का आरोपण, तथा चौथा दिया है कि समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम 1931 प्रतिबंधित करता है कि प्रांतीय सरकारों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार का दमन करने के लिए। उपरोक्त युगों में से कौन से सही सम्मिलित हैं? ए दिया है केवल 1 और 2, बी दिया है केवल 3 और 4, सी दिया है केवल 2 और 4, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें जो ब्रिटिश भारत के समय प्रेस की स्वतंत्रता थी उसको सीमित करने के लिए जो प्रतिबंध लगाए गए थे वो कौन कौन से कानून में कौन कौन से प्रतिबंध लगाए गए थे। तो अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है कि लाइसेंसिंग विनियम 1823 जो है वो प्रतिबंधित करता था कि जो राजद्रोही सामग्री उसका प्रकाशन करने पर देशी प्रेस की जब्ती। तो यह लफ्ज को गलत हो जाएगा क्योंकि जो देशी भाषा है उसके लिए जो जब्ती हुआ था वो दोस्तों वर्नाकुलर जो प्रेस अधिनियम 1878 आया था उसमें कहा गया था। और इसमें जो दूसरा दिया है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 जो है वो प्रतिबंधित करता है कि लाइसेंस के बिना प्रेस का संचालन दंडनीय अपराध था। तो यह अभी बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि जो लाइसेंस के बिना प्रेस का संचालन यदि किया जाएगा तो वो दंडनीय जो अपराध है वो 1823 में कहा गया था। और इसमें जो तीसरा दिया है कि भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 जो है वो प्रतिबंधित करता था कि सभी प्रकार के प्रकाशनों पर सख्त सेंसरशिप का आरोपण करना। तो यह लगभग सही हो जाएगा। और इसमें जो चौथा दिया है कि समाचार पत्र संकटकालीन शक्ति अधिनियम जो है 1931 वो प्रतिबंधित करता था कि प्रांतीय सरकारों द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार का दमन करने के लिए। तो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमें इसका बी हो जाएगा कि केवल 3 और 4 सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74 है कि लॉर्ड वेलेजली द्वारा आरंभ की गई सहायक संधि प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है कि इस प्रणाली के अंतर्गत कंपनी किसी भी प्रकार के विदेशी शत्रु के विरुद्ध भारतीय राज्य की रक्षा करती थी। दूसरा दिया है
इसके साथ भारतीय राज्यों के बीच सीधे संपर्क के सभी मार्ग बंद हो गए और कंपनी अंतर राज्यीय विवादों में मध्यस्थ बन गई। और इसमें जो तीसरा दिया है कि सहायक संधि करने वाले राज्य को अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट स्वीकार करना पड़ता था। और इसमें जो चौथा दिया है कि मैसूर अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए दिया है केवल एक और तीन, बी दिया है केवल दो और तीन, सी दिया है केवल एक तीन और चार, जबकि डी दिया है केवल एक दो और तीन। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें जो लॉर्ड वेलेजली है उनके द्वारा जो सहायक संधि प्रणाली है उसको आरंभ किया गया था, तो इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो अपन देखें कि इसमें जो पहला दिया है कि इस प्रणाली के अंतर्गत कंपनी जो है वो किसी भी प्रकार के विदेशी शत्रु के विरुद्ध भारतीय राज्य की रक्षा करती थी, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो सहायक संधि थी ये एक प्रकार की अहस्तक्षेप नीति थी और इस प्रणाली के अनुसार भारत के प्रत्येक शासक जो है उनको अंग्रेज जो सेना थी उनके अनुरक्षण के लिए अंग्रेजों को आर्थिक सहायता का भुगतान करना पड़ता था, और इसके बदले में जो अंग्रेज होते थे उनकी अनेक शत्रुओं से रक्षा करते थे, और इससे अंग्रेजों का व्यापक विस्तार भी हुआ। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसके साथ भारतीय राज्यों के बीच सीधे संपर्क के सभी मार्ग बंद हो गए और कंपनी अंतरराज्यीय विवादों के मध्यस्थ बन गई, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि सहायक संधि करने वाले राज्य को अपनी राजधानी में ब्रिटिश रेजिडेंट स्वीकार करना पड़ता था, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो तीसरा दिया है कि मैसूर अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला पहला राज्य था, तो यह वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो मैसूर है वो अंग्रेजों के साथ सहायक संधि करने वाला दूसरा राज्य था, जबकि जो पहला राज्य था वो था हैदराबाद। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा कि केवल एक दो और तीन सही है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित आयोगों में से किसने केंद्रीय बैंक की स्थापना की अनुशंसा की थी जिसे आगे जाकर भारतीय रिजर्व बैंक कहा जाना था। ए दिया है मुंडी मैन समिति, बी दिया है हिल्टन यंग आयोग, सी दिया है बटलर आयोग और डी दिया है हार्टोक आयोग। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो दोस्तों बहुत ही हिट है, यानी कि दोस्तों उसको सभी लोग जानते हैं, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि हिल्टन यंग आयोग, क्योंकि दोस्तों जो भारतीय रिजर्व बैंक है वो दोस्तों बहुत ही हिट है और इसमें दोस्तों यंग व्यक्ति रहते हैं, यानी कि हिल्टन हिट से आ जाएगा दोस्तों हिल्टन और यंग से आ जाएगा दोस्तों यंग आयोग। और अब बन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ दिया है यूरोपीय शक्तियां और दूसरी तरफ दिया है उनकी पहली फैक्ट्री। पहला दिया है पुर्तगाली, इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कालीकट में थी। दूसरा दिया है फ्रांसीसी, इनकी पहली फैक्ट्री पांडिचेरी में थी। तीसरा अंग्रेज, इनकी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में थी। और जो चौथा दिया है डेनिस, इनकी पहली फैक्ट्री ट्रेंकोबर में थी। उपर्युक्त युगों में से कौन से ऐसे सही सम्मिलित है या है? ए केवल एक, बी केवल एक तीन और चार, सी केवल दो और तीन, जबकि डी दिया है एक दो तीन और चार। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें जो पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली है, इसकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कालीकट में थी, तो यह अलग बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस फैक्ट्री की स्थापना 13 सितंबर सन 1500 में की गई थी और इस फैक्ट्री को भारत में पहली यूरोपीय फैक्ट्री कहा जाता है। और इसमें जो दूसरा दिया है कि फ्रांसीसी जो यूरोपीय शक्ति है, इसकी जो पहली फैक्ट्री है वो पांडिचेरी में थी, तो यह अलग बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि फ्रांसीसी की जो पहली फैक्ट्री थी वो गुजरात के सूरत में सन 1668 में स्थापित की गई थी। और इसमें जो तीसरा दिया है कि जो अंग्रेज यूरोपीय शक्ति थी उसकी जो पहली फैक्ट्री थी वो मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, तो यह अलग बिल्कुल सही हो जाएगा और इसको सन 1611 में स्थापित किया गया था। और जो चौथा दिया है डेनिस, तो इसकी जो पहली फैक्ट्री वो ट्रेंकोवर में थी, तो यह अलग बिल्कुल सही हो जाएगा और इसकी स्थापना सन 1620 में की गई थी। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर इसका बी हो जाएगा कि केवल एक तीन और चार सही आंसर है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है कि हाल ही में CSIR और CMERI कई नवीकरणीय ऊर्जा चालित उत्पाद विकसित करने में संलग्न रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है
इसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया जो लगभग 10 टन कार्बन उत्सर्जन बचा सकता है। और दूसरा दिया है कि इसने बड़े खेतों के लिए सौर ऊर्जा चालित छिड़काव का विकास किया जो 100 मीटर की त्रिज्या दूरी तक कीटनाशकों का छिड़काव कर सकता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए दिया है केवल एक, बी दिया है केवल दो, सी दिया है एक और दो दोनों, डी दिया है ना तो एक और ना ही दो। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब हम देखें कि जो CSIR और CMERI जो है नवीकरणीय ऊर्जा है, इसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसने जो पहला दिया है कि इसने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया जो लगभग 10 टन कार्बन उत्सर्जन बचा सकता है, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसने बड़े खेतों के लिए सौर ऊर्जा चालित छिड़काव का विकास किया जो 100 मीटर की त्रिज्या दूरी तक कीटनाशकों का छिड़काव कर सकता है, तो यह बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि यह एक बैटरी चालित छिड़काव यंत्र है जिसको दो किस्मों में विकसित किया गया है, एक सीमंत किसानों के लिए और दूसरा लघु किसानों के लिए। यानी कि इसमें जो बड़े खेतों बस है तो यह लवी बिल्कुल गलत हो जाएगा। और आगे जो कह रहा कि 100 मीटर की त्रिज्या, तो यह लवी बिल्कुल गलत है क्योंकि ये दोस्तों 100 मीटर न होके ये 1 मीटर से लेके 1.5 मीटर तक छिड़काव कर सकता है। यानी कि इसका दूसरा वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमें इसका ये हो जाएगा कि केवल एक सही है। और ये जो सौर वृक्ष है ये पीठ पर लादे जाने वाला एक प्रेशर होता है जिसकी क्षमता 5 लीटर होती है और ये दोनों के लिए लाभदायक होती है, जिसमें सीमंत किसानों के लिए 5 लीटर की क्षमता रखा गया है जबकि जो छोटे किसान हैं उनके लिए इसकी क्षमता 10 लीटर रखी गई है। और अब अपन चलते हैं क्वेश्चन 78 है कि शिक्षा पर सर जॉर्ज वुड डिस्पैच 1854 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने पहला दिया है कि इसने पश्चात शिक्षा के शिक्षण को सरकार की शैक्षिक नीति का उद्देश्य घोषित किया। दूसरा दिया है इसने निम्नतम स्तर पर गांवों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा। और तीसरा है कि इसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन किया। उपरोक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही है? ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन और डी दिया है 1, 2 और 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अपन देखें कि शिक्षा पर सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854 है, उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो जो वुड्स हैं इन्होंने 1854 में भारत में भविष्य की शिक्षा की योजना पर अपना व्यापक डिस्पैच रखा था, इसीलिए इसको कहते हैं सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच 1854। और अपन देखें कि इसने जो पहले दिया है कि इसने पाश्चात्य शिक्षा के शिक्षण को सरकार की शैक्षिक नीति का उद्देश्य घोषित किया, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसमें जो दूसरा दिया है कि इसने निम्नतम स्तर पर गांवों में प्राथमिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो गांव है तो गांव में उसी भाषा पर शिक्षा दी जाएगी जो भाषा वहां पर बोली जाती है। और इसमें जो तीसरा है कि इसने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का समर्थन किया था, तो यह बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर हमें इसका डी हो जाएगा कि 1, 2 और 3 सही है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन 79 है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में किए गए सामाजिक विधायन और सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित को सही काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला दिया है सती प्रथा का उन्मूलन, दूसरा दिया है कन्या शिशु हत्या को गैर कानूनी बनाना, तीसरा दिया है विधवा पुनर्विवाह का विधि मान्यकरण और चौथा दिया है दास प्रथा समाप्त करने का विधान। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है 1, 2, 4, 3, बी दिया है 2, 1, 3, 4, सी दिया है 1, 4, 2, 3 और डी दिया है 2, 1, 4, 3। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा सही काल अनुक्रम है। और अपन देखें कि जो अंग्रेजों के द्वारा भारत में किए गए सामाजिक विधायन और सुधार जो थे उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो अपन देखें कि सबसे पहले जो काम हुआ था वो उन्होंने किया था कि कन्या शिशु हत्या है उस पर रोक लगाना, और ये उन्होंने बस 1804 में जो बंगाल विनियम था थर्ड उसमें उन्होंने इस पर रोक लगा दी थी। और ये जो कन्या शिशु हत्या थी ये दोस्तों बंगाल हो गया और जो राजपूत हो गया उनके बीच जो कन्या शिशु है उनकी हत्या समान बात थी। और इसके बाद उन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था और इसको 4 दिसंबर 1829 में स्थापित किया गया था, और इसमें जो सती प्रथा है उसको अवैध घोषित किया गया था।
तीसरे नंबर पे वो लाए थे 10 प्रथा समाप्त करने का जो नियम है वो लाया गया था, और इसको सन 1833 में लाया गया था। और उसके बाद लास्ट में लाया गया था कि जो विधवा हैं उनका पुनः विवाह करना और उसको भी एक मान्य देना, यानी कि विधि के समान उसको मान्यकरण देना। और इसको दोस्तों उन्होंने सन 1856 में स्थापित किया था, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा कि 2143 इसका सही काल अनुक्रम है। और अपन देखें कि इसको अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे। इसमें देखिए सबसे पहले यदि कन्या आएगी तो वो दोस्तों सती बन जाएगी, जब सती बनेगी तो वो दोस्तों जो 10 प्रथा है उसको समाप्त करेगी, और उसके बाद जो विधवा है उसको भी सोचेगी कि भाई अब सभी का विवाह हो जाए। और अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है कि निम्नलिखित में से कौन से पुनरुत्थानवादी आंदोलन थे। पहला दिया है बहावी आंदोलन, दूसरा दिया है फराजी आंदोलन, तीसरा दिया है देवबंद आंदोलन, और चौथा दिया है अहमदिया आंदोलन। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए दिया है केवल 1, 2 और 3, बी दिया है केवल 2, 3 और 4, सी दिया है केवल 1, 3 और 4, जबकि डी दिया है 1, 2, 3 और 4। तो इन्हें से आपको बताना है कि इसका कौन सा आंसर सही है। तो अब अपन देखें कि दोस्तों इसमें पुनरुत्थानवादी जो आंदोलन है उसके संदर्भ में अपन को बताना है। तो इसमें जो पहला दिया है बहावी आंदोलन, तो यह वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो दूसरा दिया है फराजी आंदोलन, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो तीसरा देवबंद आंदोलन, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा, और जो चौथा दिया है कि अहमदिया आंदोलन, तो यह वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी कि दोस्तों इसका सही आंसर तो हो जाएगा, आंसर में इसका डी हो जाएगा। और अपन देखें कि इसको अपन ट्रिक से कैसे याद करेंगे। देखिए जो दोस्तों पुनरुत्थानवादी है, यानी कि दोस्तों जैसे किसी व्यक्ति का पुनरुत्थानवादी होगा तो वो दोस्तों बहाने बनाने लगता है, यानी कि भावी, यानी कि कल आवी, परसों आवी, ऐसे वो बहाने बनाने लगता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो राजी हो जाता है, यानी कि फराजी आ जाएगा, और उसके बाद वो अपने गेट बंद कर लेता है, यानी कि देवबंद आ जाएगा, और उसके बाद जो वो गेट बंद करता है तो वो उसको अहमियत देने लगता है, यानी कि अहमदिया आ जाएगा। यानी कि जैसे पुनरुत्थानवादी शब्द आएगा तो वैसे आपको देखना है कि एक व्यक्ति होगा वो बहुत सारे बहाने बनाएगा कि कल आवी, परसों आवी, नरसों आवी, यानी कि बहावी, और फिर उसके बाद वो राजी हो जाता है, यानी कि फराजी, और उसके बाद वो गेट बंद कर लेता है, और फिर लास्ट में वो अपने गेट को अहमियत देने लगता है, यानी कि अहमदिया आ जाएगा। यानी कि आपको ये सभी के सभी याद हो गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बन सके, और प्रेस बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।